गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं कुलदीप कुमार कुमावत और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं 11th क्लास के सिलेबस में। तो 11th क्लास का सिलेबस देखने के लिए हमें इन चार पोर्शंस को पढ़ना है। सबसे पहला रीडिंग, उसके बाद राइटिंग और तीसरा ग्रामर, चौथे नंबर पे आएगा टेक्सुअल क्वेश्चंस। सो रीडिंग का अपने पास 20 मार्क्स है, राइटिंग के लिए अपने पास 30 मार्क्स है, ग्रामर 20 मार्क्स की आएगी और जो अपनी दोनों बुक्स रहेगी वो भी 30 मार्क्स की आएगी। तो पढ़ते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका कौन सा पार्ट इजी है, आपका कौन सा पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उस पार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और यदि हम देखें कि 12th क्लास में बहुत अच्छे अंक बनाने हैं तो आपको हर एक पार्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि दिस इज़ द बेस ऑफ 12th। तो 12th में हमें स्कोर करने हैं मेरिट, और मेरिट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको आज से थ्रूली स्टडी करनी पड़ेगी। तो रीडिंग एक्सरसाइज जो 20 नंबर की है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम पाते हैं कि रीडिंग में 2 अनसीन पैसेजेस हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे 20 नंबर के, और अराउंड 300 to 350 वर्ड्स का एक पैसेज होगा। उसमें से आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब है कि पूरे पैसेज को तन्मयता से समझ लेना, दिए हुए क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ लेना, और जो वर्ड पूछे गए हैं लेक्सिकल आइटम्स में उनके वर्ड मीनिंग्स ढूंढ लेना, ऑपोजिट सिनोनिम्स ढूंढ लेना। इतना सारा हम कर पाते हैं तो अनसीन पैसेज हमारे लिए स्कोरिंग हो जाता है, और यदि इतना हम नहीं कर पाते हैं तो अनसीन पैसेज में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और उनमें से क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे। अगला जो पोर्शन रहता है वो आपके राइटिंग का पोर्शन रहेगा, और राइटिंग में आप क्या करने वाले हैं, 1 out of 2 टास्क पूछी जाएगी 10 नंबर्स की, 1 out of 2 कंपोजिशन पूछे जाएंगे 10 नंबर्स के, 1 out of 2 लेटर्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब एक एक चीज़ें होंगी जो आपके टास्क है उसमें 3 चीज़ें हैं, या तो वो इवेंट या इंसिडेंट हो सकती है, कोई प्रोसेस बेस्ड हिंट हो सकता है। तो ये आप इवेंट और इंसिडेंट को क्या करना है, प्रोसेस बतानी है कि काम किस तरीके से होता है। उसके बाद जो आपका आता है 1 out of 2 कंपोजिशन, कंपोजिशन जो आपके दिया गया है आर्टिकल हो सकता है, एक रिपोर्ट हो सकती है, एक स्पीच हो सकता है, और वो भी आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। 2 कंपोजिशन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा 10 मार्क्स का होगा। तो इसके लिए आप थ्रूली स्टडी करना स्टार्ट कर दें। फिर आपको लेटर्स है जिनमें आपके बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर्स दिए गए हैं, किसके लिए, इंक्वायरीज के लिए, कंप्लेंट के लिए, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स और एन ऑर्डर एट्सेट्रा। तो आप प्लेसमेंट के लिए पूछ सकते हैं, ऑर्डर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या फिर लेटर ऑफ टू द स्कूल अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशंस, स्कूल इश्यूज, रिक्वायरमेंट्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज एट्सेट्रा। इतने टॉपिक्स पे आपके क्या होंगे, लेटर्स दिए हुए होंगे। 2 लेटर्स आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिनमें से आपको एक करना है, और उनका 10 मार्क्स आपको दिया होगा। तो 10 पूरे के पूरे स्कोरिंग हो सकते हैं यदि आपने ग्रामर पोर्शन को ध्यान से पढ़ा है। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादातर वर्ड पावर की दिक्कत आती है, ग्रामेटिकल पोर्शन में आप सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ नहीं कर पाते तो भी दिक्कत आती है। तो मैं बार बार हिदायत देता हूँ कि इस बार आप ग्रामर पोर्शन को अच्छे ढंग से क्लियर करें। अब थर्ड पोर्शन आता है जो ग्रामर पोर्शन है, इसमें आपको बहुत ही कम चीज़ें इस बार देखने को मिल रही है। ये 4 चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले होंगे डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स के बाद में होंगे टेंसेज, टेंसेज के बाद में होंगे क्लॉजेज, और क्लॉजेज के बाद में होंगे मॉडल्स। तो देखने को आपको ये 4 टॉपिक इनमें मिल रहे हैं। और यदि बात करें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज की, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती है कि 8 के 8 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, जिनमें आपको टेंसेज पढ़ने हैं। टेंसेज के बाद में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आना जरूरी हो जाता है। ये आने के बाद में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की समझ होना जरूरी होती है, तब जाकर के हम एक पैसेज को पढ़ पाते हैं। पर यहाँ अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें डिटरमिनर्स पढ़ने होंगे। डिटरमिनर्स को हम एडजेक्टिव ही कहते हैं, एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। उसके बाद में टेंसेज होंगे, क्लॉजेज होंगे और मॉडल्स होंगे। ये जब हम पढ़ रहे हैं तो इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि आपको गैप फिल करना होगा, सेंटेंस जो है उनको रीऑर्डर करना होगा, कोई डायलॉग यदि अधूरा है तो उसको कंप्लीट करना होगा, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म
करना होगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते समय हमें सारी विधाओं का नॉलेज होना जरूरी है। ये चीज़ें जब जब हम कर रहे हैं तब तब आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरी कोई ग्रामेटिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से आपका ग्रामर पोर्शन हो जाएगा क्लियर। उसके बाद में आती है आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपके दो टेक्स्ट बुक दी गई है। सबसे पहली है हॉर्नबिल और दूसरी स्नैपशॉट। हॉर्नबिल को आप थ्रूली पढ़ेंगे और स्नैपशॉट को आराम से आप स्टोरी जानने के लिए भी पढ़ सकते हैं। अब जो पहली बुक है उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ रहेगा, प्रोज एंड पोइट्री। और ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी ज़्यादातर आपको कहाँ मिलने वाला है, इसी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। प्रोज में आपके क्या रहेगा, क्वेश्चन जो आएंगे, वन आउट ऑफ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक फॉर कॉम्प्रिहेंशन। देखिए यहाँ भी आपको जो प्रोज का जो एक पैसेज दिया जाएगा वो आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसको समझना है। इसका मतलब आपने अच्छी स्टडी करी है तो आप समझ पाते हैं, और स्टडी में कहीं गड़बड़ रही है तो समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप बुक को अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। फिर है सेकेंड पोर्शन जो रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर क्वेश्चन होंगे, सिक्स शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देंगे, जिनमें से चार आपको करने होंगे, अराउंड 10 to 15 वर्ड्स का। तो आपके 10 मार्क्स इसमें से कवर हो जाते हैं। फिर आपका जो पार्सल पोर्शन रहता है वो रहेगा पोइट्री का। वन आउट ऑफ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। तो लिटरेरी टर्म्स वगैरह है, या फिर आपको वाक्य विन्यास करना या फिर इनकी एक्सप्लेनेशन करना आता है तो आप बहुत अच्छे से ये नंबर ले आएंगे। थ्री आउट ऑफ फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। फोर क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको तीन करने हैं, इनका आपको 10 to 15 वर्ड्स में रिप्लाई करना है। तो सिक्स नंबर्स आप यहाँ स्कोर करेंगे, और पोएट्री पढ़ करके एक्सप्लेनेशन करने का, एक्सप्लेन टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो आपको फोर पॉइंट्स या फोर मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री जो रीडर स्नैपशॉट है उसका भी इसी तरीके से 10 मार्क्स का वेटेज है। वन आउट ऑफ टू क्वेश्चंस टू टेस्ट द इवेल्युएशन ऑफ कैरेक्टर्स इवेंट एंड एपिसोड्स। तो जो भी आपको होगा वो सारे क्वेश्चंस कितने, वन एक क्वेश्चन होगा 50 to 60 वर्ड्स का होगा, दो हो गए मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों में से एक जो आपको ईजी लगे वो करना होगा। टू आउट ऑफ थ्री शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, 30 to 40 वर्ड्स में आपको रिप्लाई करना है, और उनमें से दो ही करने हैं, टू करने हैं, ये आपके फोर मार्क्स के होंगे, 2+2। तो इस तरीके से करके आप 10 नंबर्स यहाँ भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, और पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखें। हमारे चैनल पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती जाएगी। टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस भी चलेगी, और लाइव क्लासेस से अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो सप्लीमेंट्री वीडियोज़ ऐड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।